अस्सलामुअलैकुम, हम अपने अपार्टमेंट से निकल गए हैं और आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम फंटा वाइल्ड एंड सेंचुरी पार्क में जाएंगे और बहुत से एडवेंचर्स करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं फंटा वाइल्ड लैंड के लिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, टिकट प्राइस और हर एक एडवेंचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो तो लास्ट तक लाजमी देखने हैं आपने। ओके बाय। तो ये है फंटा वाइल्ड एडवेंचर सेंचुरी थीम पार्क। हम फंटा वाइल्ड एडवेंचर सेंचुरी में आ चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे ये पीछे का व्यू। ये देखें, यहाँ से हम टिकट लेंगे। माय फाव आओ। दो टिकट हैं और ये एक। और बाय 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 बाय। हमारे तकरीबन 506 RMB के टिकट बने हैं। किंगडम वैली 1, किंगडम वैली 2, सानी तकरीबन 25,000 तक बनते होंगे। सो लेट्स गो। ये मैप, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तकरीबन हम पार्क का करेंगे तो ये पाकिस्तानी 60,000 प्लस बनता है। इलेक्ट्रिक स्विंग पे अब मैं तो नहीं बैठूंगा, इसमें बैठना है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा मैप है और अभी हम यहाँ पे हैं। इस घर से हम होते 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 ये सारे इस तरफ आएंगे। और ये तो बिल्कुल मुझे बोरिंग लग रहा है। ये यहाँ पे कोई जूस हो, जगह अच्छी बनाई हुई है यहाँ पे इन लोगों ने। बच्चों के लिए अच्छे हैं, बड़ों के लिए नहीं है। 2.10 में से। और ये इसका वेलकम अच्छा है। तो हम और चलते हैं किसी जगह, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। हमें ये ओपन कर रही है, हम जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब हमने अपनी अपनी गाड़ी चूज़ करनी है। दो बैठ सकते हैं। ओह लहंगा खाई। ओके तो सही मुश्किल है। सही लगती है ये बहुत ही अच्छा था। कैसा था? ओके, इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत एंजॉय किया इसमें। ये बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। 7, 10 में से 7.0। शेशे जिधर सब जा रहे हैं वहीं पे हम जा रहे हैं। पे कोई गाइड नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पे ये लोकल नेटिव लोग जाते हैं तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे। जगह बड़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे पिक्चर लेने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग वेट कर रहे हैं ऊपर। तो अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। अब साइड का व्यू भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं।
इसको कितने पॉइंट देंगे हम? इसको हम देंगे 5। इसको 10 में से 5 पॉइंट देंगे। लोकेशन इन्होंने बड़ी अच्छी बनाई है। पता नहीं हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें कब होंगी। नवाज शरीफ और जरदारी, उनका अगर पेट भरेगा तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ होंगी। ओके। और यहाँ से एंट्री है? हाँ से एंट्रेंस है। ये है क्या मैजिक? मैजिक कैसल है ये? हाँ ये मैजिक कैसल है। तो अभी हम आ चुके हैं मैजिक कैसल में। तो अभी हम देखते हैं अंदर क्या होता है, अंदर कौन सा मैजिक है। हम ज़िगज़ैग लाइन में अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब काफ़ी ग्लासेस भी दे रहे हैं, 3D ग्लासेस भी दे रहे हैं, और शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्लासेस मैं भी अपनी दे रही हूँ। अभी हमने 3D ग्लासेस पहन ली हैं और ये हम जो है वो मैजिक कैसल में हैं। के जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये मूव हो रही है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा था। इसको आप क्या रेटिंग दोगे? 8.5। तो 10 में से 8.5। ये 3D था, 3D वीडियो बनी हुई थी। 3D से भी आगे थी, यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी मूव। 3D थी और चेयर भी मूव हो रही थी। अगर एयर चलती थी तो एयर भी हमें फील हो रही थी, गर्म एयर होगी या ठंडी, इस तरह। ये अच्छा था। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये एंट्री और अभी हम यहाँ पे आए हैं, इस पे बैठेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये कैसा है। ये क्लोज है अभी, पता नहीं कहाँ से एंट्री होती है। ये अभी पहले यहाँ पे गए थे हम, लेकिन ये इतने मज़े का नहीं। ये एक माउंटेन बनाई है कि पुराने वक्त में लोग इस तरह रहते थे, लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे। पे अभी कोई 3D मूवी है यहाँ पे। ये सबसे अच्छा है और थोड़ा सा डेंजरस भी है, कहीं रिस्की भी है, डर भी लगता है इस पर। अभी हम इसके बाद हम इस पर बैठेंगे।